नमस्कार, स्वागत है आपका TV24 के कार्यक्रम ग्रहों का संदेश में। तो चले जानते हैं आज की 12 राशियों का हाल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए आज का दिन कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आपको बिजनेस के किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए आज का दिन कुछ उलझनों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके कामों में कुछ अड़चन पैदा करेंगे जो आपको परेशान करेंगे। कुछ मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से आपको असुविधा होगी, जिसके कारण आपका ध्यान कामों पर नहीं रहेगा। आज आपको किसी काम के चलते लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के लिए आज का दिन भागदौड़ से भरा रहने वाला है। आपको काम की अधिकता रहने के कारण आप भागदौड़ में लगे रहेंगे, लेकिन आप अपने कामों के साथ साथ बाकी के कामों पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए आपके काफी काम लटक सकते हैं। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। अब नजर डालते हैं हम कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप कुछ परेशान रहेंगे। आपको किसी बड़े आयोजन आदि को करने का मौका मिल सकता है। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला यदि लंबे समय से लटका हुआ था तो वह पूरा हो जाएगा। माता जी को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए आज का दिन सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप संतान के लिए किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं फिर से सिर उठा सकती हैं। अब बढ़ते हैं हम कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आप किसी नए काम को शुरू करने से पहले उसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लें, नहीं तो आपको बाद में समस्या होगी। और आप अपने खर्चों को थोड़ा संभल कर करें और उनमें कटौती करने की पूरी कोशिश करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में चल रही समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब नजर डालते हैं हम तुला राशि की तरफ। तुला राशि के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे लोग किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं। आपका किसी नए मकान दुकान आदि को खरीदने का सपना पूरा होगा। आप ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से धन उधार लेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन फलदायक रहने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने कामों में सजग रहें और अपनी जिम्मेदारी किसी पर भी ना डालें। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आज आप पार्टी भी कर सकते हैं। आज आपके यदि किसी काम को लेकर चिंता बनी हुई थी तो आपका वह काम पूरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। धनुराशि के लिए आज का दिन किसी नए वाहन के खरीदारी के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको उसके प्रयोग में सावधानी बरतनी होगी। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो वह आपको प्राप्त हो सकती है। परिवार में आज किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपको किसी बड़े काम को लेकर अनुभवी व्यक्तियों से बातचीत करनी पड़ सकती है। अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि के लिए आज का दिन कुछ उलझनों से भरा रहेगा। आपके जीवन साथी के करियर को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसमें आप सावधानी बरतें। यदि आपको किसी काम को लेकर चिंता बनी हुई थी तो वह दूर होगी। परिवार में किसी वाद विवाद के कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे, जिसके लिए आपको अपने परिवार में बड़े सदस्यों से बातचीत करनी होगी, तभी आप उसे आसानी से सुलझा पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपको बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा, नहीं तो उनकी सेहत बिगड़ सकती है। व्यापार में आपके कुछ विरोधी आपके बनते कामों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, जो आपको परेशान कर सकते हैं। किसी कानूनी मामले में आप अपनी आंख व कान खुले रखकर आगे बढ़े, नहीं तो कोई आपको धोखा दे सकता है। अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की तरफ नजर डालते हैं, जिनके लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आज आपका कोई रुका हुआ धन आपको मिलने की पूरी संभावना है, जो आपकी खुशी का कारण बनेगी। व्यापार में आप किसी बड़े लाभ के अवसर को हाथ से न जाने दें, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। आपके आय के नए नए रास्ते खुलेंगे। तो ये थी आज की 12 राशियों का हाल। हम कल फिर हाजिर होंगे नए 12 राशियां लेकर। तब तक आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।